मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और इनकी साहिबजादी मरियम नवाज की लाहौर में आसमा जहांगीर की रिहाइशगाह पर आमद। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अश्तर औसाफ, आसमा जहांगीर की हमशीरा हिना जेलानी और साहबजादी मुनीजे जहांगीर समेत मुतद्दद अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि आसमा जहांगीर दुनिया से अच्छा नाम कमा कर गई। उन्होंने दुखी इंसानियत के लिए बड़ा काम किया। जमहूरियत के क्याम, कानून की हुक्मरानी के लिए इनकी खिदमात शानदार हैं। कोई मुश्किल हो तो कभी साथ नहीं छोड़ती थी मेरे ख्याल के, और फिर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करने वाली शख्सियत, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ने वाली शख्सियत, और हमेशा उन्होंने इसके लिए स्ट्रगल की है, हमेशा उन्होंने इसके लिए अपना बहुत वक्त दिया है, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा नाम कमा के इस दुनिया से वो गई हैं। मरियम नवाज का इस मौके पर कहना था कि आसमा जहांगीर का इंतकाल जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए बड़ा नुकसान है। वो मजलूमों की आवाज़ थी। हर इंसान जो दिल रखता है इसे मजलूमों की आवाज़ बनना चाहिए। मरियम नवाज ने यह भी कहा, सच बोलने को तनकीद का नाम नहीं देना चाहिए बल्कि सच बोलना चाहिए और सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। सच बोलने को तनकीद का नाम नहीं देना चाहिए, वो इस्लाह के लिए होता है, उसको अच्छे अच्छे अंदाज में लेना चाहिए, और सच की आवाज़ तो है और गूंज उसकी सुनाई देती है, तो सच बोलना चाहिए, सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए।